हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में। आज देखिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता है। इसी जोश मोटिवेशन के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से 125 और 1000 में कितना अंतर है। तो स्टूडेंट कहते हैं कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ से कितना अंतर है, पहले आप जानिए 125 कैसे लिखना है। 125 पहले आप लिखना सीखिए, उसके बाद देखिए यहाँ से जब 125 लिखना है तो 125 सवैया डेवरा सारा हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है बिल्कुल शुरू से। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 0.25, कितना हो गया 25 पैसा हो गया। उसके बाद यहाँ से 50 पैसा कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे 0.5, ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 25 पैसा। अब इसको क्या लिखेंगे, पौना यानी 75 पैसा लिखना है। 75 पैसा क्या हो गया, 75 पैसा हो गया 1 रुपया। अब देखिए 1 रुपया के लिए तो सॉलिड 1 है। जब यहाँ से कहा जाएगा आपको 1.25 रुपया लिखना है तो क्या लिखेंगे 1.25। जब 1.5 लिखना होगा तो क्या करेंगे 1.5 रुपया लिखेंगे 1.5, 1.5 हो गया। जब आपको कहा जाएगा जब 1.25 रुपया लिखना है तो 1.75 क्या होगा 7.5 रुपया। ऐसे करके लिखना होगा कि क्या है पैसे हैं, देखिए ये भी पैसे हैं, ये क्या है ये भी पैसे हैं। यहाँ से क्या हो गया, रुपया चालू हो गया। देखिए आपको कहा गया है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ से क्या है, अब जब 125 आपको कहा गया है कितना, 125 और 1000 में कितना अंतर। तो देखिए यहाँ से 125 पहले यहाँ से क्या है 2 रुपया लिखे हैं तो यहाँ से लिखेंगे 10 रुपया। तो 10 रुपया के लिए कैसे लिखेंगे 9.75 10। और जब इसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, सैकड़ा में जाना, दशमलव के जगह पर क्या लिखेंगे 1, और दाहिना साइड में कितना अंक, 2 अंक दिया गया है, इसीलिए क्या करेंगे 2 0 लिखेंगे, दशमलव बात खत्म। क्या करेंगे 0 से 0 क्या होगा, दोनों समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 975 आ गया रुपया। अब देखिए यहाँ से फिर ये हो गया कितना 975 रुपया हो गया। 125 देखिए यहाँ से 1000 कैसे लिखेंगे, 125 1000, तो 125 देखिए यहाँ से कैसे लिखते हैं 0.75 जो कि यहाँ भी आप लिख चुके हैं 75। अब देखिए यहाँ से जब 1000 में जाना है तो क्या करेंगे 1000 से गुना करेंगे, यहाँ 100 में जाना था तो क्या किया, सैकड़ा में जाना था तो 100 से गुना, यहाँ 1000 में जाना है इसीलिए क्या करेंगे 1000 से गुना। तो देखिए यहाँ से दशमलव के जगह पर 1, दाहिना साइड में 2 अंक दिया गया इसीलिए क्या करेंगे 2 0, दशमलव बात खत्म, 2 0 से क्या होगा 2 0 समाप्त होगा, क्या होगा गुना करके इससे करेंगे तो यहाँ से 75 दहाएँ क्या होगा 750 रुपया। जब क्या कहा गया है, दोनों का अंतर कहा गया, क्या कहा गया है दोनों का अंतर। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या करेंगे जब दोनों घटाएंगे तो क्या होगा 5 2 और क्या होगा 2, यानी कितना आ गया 225 रुपया दोनों का अंतर हो गया। अंतर है जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ से डी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही जवाब होगा। यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।